वेलकम टू ऑटो शिफ्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टियागो ईवी के बारे में, जो कि आज ही लॉन्च करी गई है। लॉन्चिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होता है 8,50,000 से, और टॉप एंड मॉडल जो जाता है इसका किया जाता है 11,80,000 रुपये। स्टार्टिंग में मैं बता दूं, ये जो है प्राइजेज है ये एक्सशोरूम प्राइजेज है और इंट्रोडक्टरी प्राइजेज है। ये प्राइजेज जो है ये बाद में बढ़ेंगे। टोटल 10,000 यूनिट्स ही के लिए वैलिड रहेंगे ये प्राइस टैग, उसके बाद ये प्राइस टैग ही बढ़ भी सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके वेरियंट्स की तरफ। वेरिएंट में बात करें तो XE, XT, XZ, XZ Plus, Tech, Luxury, ये तीन चार वेरिएंट्स इसमें रखे गए हैं। हालांकि इसमें आपको दो बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है 19.2 किलोवाट आर लिथियम आयन बैटरी, एक है 24 किलोवाट आर लिथियम आयन बैटरी। उसमें भी आपको तीन तरीके के इसमें सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला वाला जो बेसिक सेगमेंट रहेगा स्टार्टिंग मॉडल, वो रहेगा 19.2 किलोवाट का, और उसमें आपको 3.3 किलोवाट का एसी चार्जर जो है वो देखने को इसके साथ मिलने वाला है। जो दूसरा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसमें आपको XT, XZ Plus, XZ Plus, Tech, Luxury में आपको 3.3 किलोवाट का एसी चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। जो थर्ड इसका सेगमेंट आता है उसमें आपको टॉप एंड वेरिएंट्स रहने वाले हैं, जो है जिसमें आपको 24 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी और 7.2 किलोवाट का आपको एसी चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो आपको XZ Plus और XZ Plus Tech लग्जरी में देखने को मिलने वाली है। अगर प्राइजेस की मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा आपको प्राइस डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको 3.3 किलोवाट आर का एसी चार्जर मिल रहा है 24 किलोवाट आर आप बैटरी पैक के साथ, वो है 10,80,000 रुपये का XZ का, और XZ Plus Tech लग्जरी का है 11,29,000 रुपये। और उसमें अगर मैं 7.2 किलोवाट आवर एसी चार्जिंग की बात करूं तो वो आपको 11,29,000 रुपये में XZ Plus मिल जाएगा, और XZ Plus Tech Luxury आपको 11,80,000 रुपये मिल जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो कि 40,000 से 50,000 का इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, बट आपको एक बेटर चार्जिंग ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ये अभी जो भी मैं चार्जिंग ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये आप जो घर पे पोर्टेबल चार्जर आपको मिलता है गाड़ी के साथ वो है, और घर पे जो आप अपना एसी चार्जर सेटअप करा सकते हैं वो है। अब अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 7.2 किलोवाट के चार्जिंग जो टाइम रहने वाला है घर पे, वो 0 से 100% होगा आपका 3 घंटे 36 मिनट में, और जो 3.3 किलोवाट का एसी चार्जर आपको मिलेगा वो कंप्लीट करेगा कुछ 17 से 18 घंटों में पूरा 0 से 100%। और इसी के अलावा आपको एक डीसी फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप घर में भी सेटअप करा सकते हो और जितने भी आपको डीलरशिप्स है वहाँ से भी आप चार्ज करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए। वो आपको मिलेगा 10 से 80% फुल चार्ज करेगी वो 57 मिनट्स के अंदर अंदर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो सेकेंडरी आ जाती हैं। अब इसमें बैटरी पैक की बात कर लेते हैं। बैटरी पैक जो 19.2 किलोवाट आर का है लिथियम आयन बैटरी, वो आपको रेंज देगी 250 किलोमीटर की इन अ सिंगल चार्ज। और जो दूसरा बैटरी पैक आपके पास 24 किलोवाट आर का लिथियम आयन का, वो आपको रेंज देगी 315 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बेस वाला बैटरी पैक है वो आपको 200 के अराउंड रेंज दे देगा, और जो 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो आपको 280 या 270 के अराउंड आपको रेंज दे देगा। अब इसके प्राइस के कंपेयर में भी बात करें तो 40,000 से 50,000 का इसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। 9,09,000 तक आपको 19.2 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी पैक मिलेगी, और 10,00,000 से स्टार्टिंग रहेगा आपको 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। तो ये तो हो गए सारी बैटरी का रेंज हो गया। अब अगर मैं कंपेयर करूं टाटा टियागो के जो आईसी इंजन वाले मॉडल्स आते हैं उनके कंपैरिजन में, तो हल्के फुल्के फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं और एक्सटीरियर एनहेंसमेंट्स करी गई है। जैसे आपको ब्लू लाइट ब्लू हाइलाइट्स जो है वो आपको अलॉय व्हील्स पे देखने को मिलेगा। आगे की तरफ आपको शट ऑफ ग्रिल मिल जाएगा। हेडलैम्प्स के नीचे आपको एक लाइट ब्लू आपको यहाँ पे जो है वो एक्सेंट देखने को मिलेगा। इंटीरियर में भी बहुत सारे बेसिक इसमें चेंजेस करे गए हैं, जहाँ पे आपको प्लुश का लेदर रेट सीट्स मिल जाएंगी, और जगह जगह आपको लाइट ब्लू जो है वो हाइलाइट्स एक्सेंट्स देखने को मिलने वाले। फीचर्स की मैं बात करूँ तो फीचर्स में आपको लेदर रेट सीट्स मिल जाएगी, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा जो कि स्टैंडर्ड है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, पंचर रिपेयर किट स्टैंडर्ड मिल जाएगी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्टेयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको टियागो में देखने को मिलती थी वही सारी चीज़ें इसमें कंटिन्यू रखी गई है। अब इसमें टोटल 10,000 कस्टमर्स के लिए ही इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है। उसमें से भी जो फर्स्ट 2,000 यूनिट्स रहेगी वो रिजर्व रहेगी टाटा नेक्सॉन ईवी और टाइगोर ईवी के कस्टमर्स के लिए, अगर वो बुक करना चाहते हैं तो। कलर ऑप्शन की बात करें तो 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लू, ग्रे, वाइट, पर्म और ट्रॉपिकल मिस। तो ये था पूरा टाटा टियागो ईवी के बारे में। कैसी लगी आपको गाड़ी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार।